नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर कैसे चेक किया जाता है आज हम चेक करके दिखाएंगे टेस्ट लैम के द्वारा। दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर कई प्रकार का होता है, लेकिन आज मैं इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताएंगे। आप देख लीजिए, इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताएंगे। सेम कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों। कॉन्ट्रैक्टर ये भी होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में इस कॉन्ट्रैक्टर को वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज हम इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताएंगे कॉन्ट्रैक्टर कैसे चेक किया जाता है। दोस्तों ये हमने टेस्ट लैम बनाया है, देखिए टेस्ट लैम हमने टेस्ट लैम सीरीज द्वारा बनाया है। ये देखिए हमने टेस्ट लैम हमारा ग्लो करने लगा, ठीक। इसी टेस्ट लैम के द्वारा हम इसको चेक करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको हम बता देते हैं थ्री। दोस्तों ये आप देख लीजिए, हमारा कॉन्ट्रैक्टर है और इसका ये इसकी दो बाइंडिंग है, इसकी देख लीजिए, इसकी दो बाइंडिंग है। जैसे इसको सप्लाई देंगे तो हमारा ये ऑपरेट होगा और ये ऑपरेट होगा, और जब इस पर हम सप्लाई देंगे तो हमारा स्टार वाला ऑपरेट होगा और हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। दोस्तों हम सप्लाई देके चेक करते हैं। दोस्तों जैसा देख लीजिए, ये देखिए ये दो सिरा हैं, जैसे इस पर सप्लाई देंगे हमारा ये प्लंजर ऊपर की तरफ जाएगा और हमारा करंट आगे फ्लो होने लगेगा। दोस्तों यहाँ पर A1 B1 सप्लाई देते हैं और यहाँ पर RY भी सप्लाई देते हैं। हम आपको चेक करके बताएंगे, जैसे इस कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई देंगे तो हमारा ये होल्ड हो जाएगा और ये होल्ड हो जाएगा, इसमें देंगे तो ये होल्ड हो जाएगा और मेन कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा। दोस्तों ये मेन कॉन्ट्रैक्टर है, ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है और स्टार कॉन्ट्रैक्टर है। दोस्तों हम सप्लाई जैसे ही देंगे हमारा दो कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा। देखिए सप्लाई हमने यहाँ पर और हमने यहाँ पे और हमने यहाँ पर सप्लाई, देखिए देखिए दो कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो गया। आप देखिएगा, ये देखिए, यानी हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर सही है। और दोस्तों जैसे स्टार कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई देंगे तो हमारा ये और ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोनों काम कर रहा है अच्छे से बंद। दोस्तों अब इसका ये देखिए थ्री फेज लाइन का है, इस पर थ्री फेज जब देते हैं तो ये A1 B1 C1 टर्मिनल है जो मोटर पर जाता है। ये भी A1 B1 C1 टर्मिनल है जो मोटर पर जाता है। देखो जो दोस्तों जैसे ही इसको हम टच करेंगे तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन अभी जब हम कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करेंगे तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा। अभी देखिए दोस्तों इसमें करंट इधर नहीं आ रहा है जो मोटर पर जाना है। जब कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होता है तब करंट इधर आता है। देखिए दोस्तों जैसे हम इसको यहाँ से दबाएंगे हमारा बल्ब ग्लो करेगा, देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, यानी हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट सही है कॉन्ट्रैक्टर। और इसको भी हमने चेक कर लेते हैं, ये वाला भी और ये वाला भी सप्लाई, यानी थ्री फेस जो सप्लाई आएगा जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होगा इधर ऑपरेट हो जाएगा। दोस्तों सेम इसको भी हम इसी तरह चेक कर लेते हैं। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, देखिए ये ऊपर जो इसका पार्ट होता है दोस्तों, ये थर्मल रिले होता है, इसका नाम थर्मल रिले होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो देख रहे हैं आप, जैसे इसको हम पुश करते हैं ये हमारा स्टॉप बटन होता है और हमारा ये स्टार बटन होता है। ये जो दो नॉब निकला है, एक स्टॉप का होता है और ये स्टार का होता है। स्टॉप बटन क्या होता है, NC होता है। जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करेंगे, जैसे ये देखिए ये दो टर्मिनल है, स्टॉप का टर्मिनल है और ये स्टार का टर्मिनल है। जैसे इसमें करंट फ्लो करेंगे इसमें और इसमें टच करेंगे तो हमारा स्टॉप NC होता है, वो क्लोज होता है तो हमारा बल्ब ग्लो करेगा। देखिएगा हम करके देखते हैं ये कौन सा है। ये देखिए ये दोस्तों ये स्टॉप बटन है और दोस्तों ये जो बटन है स्टार बटन। अब देखिए इसमें जैसे हम लगाएंगे ये नहीं जलेगा, ठीक है दोस्तों, ये नहीं जल रहा। जब हम इसको पुश करेंगे तो हमारा ये जलेगा। ये देखिए हमने जैसे ये इसको पुश किया है हमारा जला। दोस्तों ये जो बीच का नॉब होता है दोस्तों, ये करंट रेटिंग होता है। देखिए अगर यहाँ पर 6 लिखा है, आप देख लीजिए यहाँ 6 लिखा है, अगर 6 एम्पियर इसको हम सेट कर देंगे, 6 एम्पियर इसको हम सेट कर देंगे, 6 एम्पियर से अधिक करंट